बागियों ने आप उम्मीदवारों के खिलाफ खोला मोर्चा। दिल्ली में किन 7 सीटों पर आपका खेल बिगाड़ेंगे अपने? दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन खत्म होने के बाद अब तमाम दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बार चुनाव में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने अपने मौजूदा 45 विधायकों को मैदान में उतारा है, जबकि 16 विधायकों के टिकट काट दिए हैं। साथ ही केजरीवाल ने अपने 4-4 बागी विधायकों को भी दोबारा मौका नहीं दिया है। ऐसे में इनमें से कई विधायकों ने दूसरे दलों से ताल ठोक दी है। जी हां, विधानसभा चुनाव में दिल्ली की कई सीटों पर आप उम्मीदवारों को अपने बागियों से दो दो हाथ करना पड़ रहा है। आपके 2 बागी विधायकों को बीजेपी ने मैदान में उतारा है तो 2 कांग्रेस से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। आपके 4 बागी विधायकों ने बीजेपी का दामन थामा था, जिनमें से कपिल मिश्रा को बीजेपी ने मॉडल टाउन सीट से उतारा है। हालांकि कपिल मिश्रा 2015 में करावल नगर से विधायक चुने गए थे। वहीं आपके बागी विधायक अनिल वाजपेयी को बीजेपी ने गांधीनगर सीट से प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी की तरह कांग्रेस ने भी आपके 2 बागियों को टिकट दिया है। कांग्रेस पार्टी ने आपकी बागी अलका लांबा को चांदनी चौक से विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है और आदर्श शास्त्री को द्वारका सीट से मैदान में उतारा है। लांबा ने काफी समय से बागी रुख अख्तियार किया था, जबकि आदर्श शास्त्री का टिकट केजरीवाल ने काटकर महाबल मिश्रा के बेटे विनय मिश्रा को दिया है। इसके चलते आदर्श शास्त्री कांग्रेस ज्वाइन कर मैदान में उतरे हैं। इसके अलावा दिल्ली कैंट से आपके विधायक सुरेंद्र सिंह का टिकट केजरीवाल ने काट दिया था, जिसके बाद सुरेंद्र सिंह ने नामांकन के आखिरी दिन आपसे इस्तीफा देकर एनसीपी का टिकट लेकर चुनाव मैदान में ताल ठोक दी है। वहीं दिल्ली की बदरपुर सीट से विधायक रहे एनडी शर्मा को बीएसपी ने मैदान में उतारा है, तो हरिनगर सीट से विधायक रहे जगदीप सिंह, सिलमुर सीट से विधायक हाजी मोहम्मद इशराक निर्दलीय चुनाव मैदान में है। आपको बता दें कि 2015 में आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीतकर सत्ता के सिंहासन पर अरविंद केजरीवाल विराजमान हुए थे। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आपके खाते में इस बार कितनी सीटें जाती हैं। खासकर इन 7 सीटों पर ताल ठोक रहे बागी उम्मीदवार आपका कितना नुकसान कर पाते हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।